Hello everyone and friends. Myself Vinod Kumar, Assistant Professor in the Department of Computer Science and Engineering in CIT, Tata Silve. So, before starting my video, I would like to give my message that how critically we are facing coronavirus all over the world. Our PM Narendra Modi is taking good initiative regarding these issues. Therefore, we being the teacher have the responsibility to provide education online, and this will help you by sitting at home. And you will be able to study well. So, my student, I am requesting you stay home and stay lives. We should all have to pray for this. Now, let's come back to my video. My dear student, आज का वीडियो ट्यूटोरियल जो है उसका मेन मकसद हमारा ये है कि आप लोगों तक हमारा नोट्स पहुंच पाए, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिकर्सिव फंक्शन एंड इट्स टाइप्स. रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं. हमारा मकसद मेन ये है कि आप लोग तक इसका नोट्स मिल जाए. इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने टेल रिकर्सिव फंक्शन, नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन के बारे में भी डिस्कस किया है. इस वीडियो को मैंने पहले भी इंप्लीमेंट किया है और अपलोड किया है अपने चैनल में. आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है. देखिए, रिकर्सन जो है इसका डेफिनेशन ये है, रिकर्सिव फंक्शन इज डिफाइंड एज ए फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम टिल द कंडीशन इज ट्रू और फाइनल कॉल डज नॉट गिव्स द आउटपुट. ये डिफिनेशन है. देखिए, मैंने यहां पॉज किया हुआ है, आप इसे आराम से इसको नोट्स में लिखिए, ठीक है, क्योंकि हमारा ये मेन मकसद ये है कि आपको आप नोट्स बना सके. देखिए आगे जो है, ए रिकर्सिव फंक्शन repeatedly calls itself, so system uses a stack to store the local variable and return address. जब भी recursive function बनता है तो system जो है वो एक stack generate करता है, और उस stack के अंदर local variable के value और address, instruction के address को वो store रखता है. So रिकर्सन इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक. हम लोग बोल सकते हैं कि रिकर्सन जो है वो स्टैक जो है, स्टैक का एप्लीकेशन है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. रिकर्सन में एवरी रिकर्सिव फंक्शन और सॉल्यूशन हैज टू मेजर केसेस. इसमें दो मेजर केसेस हम लोग देखते हैं. पहला है बेस केस. द बेस केस इज नथिंग, द बेस केस इज सिंपली नॉन एज टर्मिनेशन कंडीशन. ये टर्मिनेशन कंडीशन ही है, अदरवाइज द फंक्शन कॉल्स में गोज
इनटू इनफिनाइट लूप, नहीं तो ये फंक्शन जो है इनफिनाइट लूप में चला जाता है। सेकेंड जो मेजर केस है वो है रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस में क्या होता है, इन द रिकर्सन रिकर्सिव केस इफ द टर्मिनेशन कंडीशन इज नॉट ट्रू, अगर ये ट्रू नहीं है देन द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, फंक्शन खुद को कॉल बार बार करते रहता है। ठीक है, यहां मैंने पॉज किया हुआ है, आप इसको आराम से लिखिए, नोट्स आपके पास अवेलेबल नहीं था, लोग स्टूडेंट्स हमसे क्वेरी कर रहे थे, इसलिए मैं इस वीडियो को आज बना रहा हूं। इस एग्जाम्पल से रिकर्सिव फंक्शन के बारे में हम लोग समझ सकते हैं और ये बहुत बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर एक डिस्प्ले फंक्शन मैंने बनाया है, इसका आर्गुमेंट जो है ये एन है और ये रिटर्न कर रहा है वॉइड मंथ नथिंग, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये एन जब तक जीरो से बड़ा है तब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि ये इसी को बेस कंडीशन कह रहे हैं, यही आपका टर्मिनेशन कंडीशन है। ठीक है, और इफ के इनसाइड जो है हमारा तीन इंस्ट्रक्शन है, ये देखिए तीन इंस्ट्रक्शन है। जब एन का वैल्यू देखिए यहां पर हो क्या रहा है, पहले ये तो देखना है कि ये फंक्शन जो है ये रिकर्सिव कैसे है, क्योंकि देखिए ये फंक्शन जो है ये खुद को कॉल कर रहा है, ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है इसीलिए रिकर्सिव है। ठीक है, व्हेन द फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इट इज रिकर्सिव फंक्शन, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं। अब यहां पर देखिए मेन फंक्शन जो है, मेन फंक्शन में यहां 5 एन इक्वल टू मैंने 5 लिया है और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है और यहां से 5 जो है यहां से पास किया जा रहा है। 5 जो है 5 के लिए ये फंक्शन ट्रू है, एन जब 5 है तो ये कंडीशन ट्रू है, जब ये ट्रू है तो इंडिया एक बार प्रिंट करेगा। अब एन माइनस माइनस होने के कारण ये 4 हो जाएगा, फिर से ये फंक्शन कॉल होगा क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो रहा है और यहां पर जो ये डिस्प्ले जो फंक्शन कॉल हो रहा है इसी को हम लोग बोल रहे हैं रिकर्सिव बेस। ठीक है, रिकर्सिव बेस, और ये फंक्शन जो है ये खुद को कॉल कर रहा है, तो यहां से देखिए आप 4 लेके आया डिक्रीज होने के कारण, 4 के बाद 4 में भी ये कंडीशन ट्रू है तो इंडिया प्रिंट करेगा, 3 के लिए भी कंडीशन ट्रू है तो इंडिया प्रिंट होगा, 4 डिक्रीज कर रहा है इसलिए 2 के लिए भी कंडीशन ट्रू होगा तो इंडिया प्रिंट होगा, फिर 1 के लिए भी ट्रू होगा क्योंकि 1 जो है ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू होगा तो इंडिया प्रिंट होगा, जो ही ये 0 होगा कंडीशन फॉल्स होगा और हम यहां से इस फंक्शन से बाहर निकल जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे है? और जो आउटपुट हमको मिलेगा वो इंडिया 5 टाइम्स मिलेगा। ठीक है, आप आराम से इसको नोट्स को लिखो, लिखिए एग्जांपल के तौर पर। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिकर्सन, देयर आर टाइप्स ऑफ रिकर्सन में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। फर्स्ट इज डायरेक्टली रिकर्सिव फंक्शन, सेकेंड इज इनडायरेक्टली रिकर्सिव फंक्शन, थर्ड वन इज नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन एंड फोर्थ वन इज टेल रिकर्सिव फंक्शन। यानी हम लोगों को 4 तरह का रिकर्सिव फंक्शन पढ़ने को मिला है, डायरेक्टली रिकर्सिव फंक्शन, इनडायरेक्टली रिकर्सिव फंक्शन, नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन, टेल रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, पॉज किया है मैंने, आराम से लिखिए इसे, मैं आगे चलता हूं। डायरेक्टली रिकर्सिव फंक्शन,
डायरेक्टली रिकर्सिव फंक्शन में होता क्या है, ए फंक्शन कॉल्ड इज सेड टू बी डायरेक्टली इफ इट इज एक्सप्लिसिटली कॉल इटसेल्फ। अगर ये बाहर से खुद को कॉल करता है तो इसे हम डायरेक्टली रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। देखिए यहां पर ये फंक्शन मैंने बनाया है, इंट ये रिटर्न कर रहा है, फंक नाम से ये फंक्शन है और इसका आर्गुमेंट एन है, ठीक है। यहां टर्मिनेशन केस या बेस केस जिसे कहते हैं, देखिए एन जब जीरो होगा तो ये रिटर्न कर जाएगा, यहां टर्मिनेट हो जाएगा फंक्शन, और नहीं तो ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है और एन माइनस वन वन डिक्रीज करते हुए कॉल कर रहा है। तो यहां पर हो क्या रहा है कि फंक्शन खुद को डायरेक्टली कॉल कर रहा है, इसीलिए इस फंक्शन को डायरेक्टली रिकर्सिव फंक्शन हम बोल सक रहे हैं। क्लियर है? यहां पॉज किया हुआ है, आप आराम से इसे लिखें, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूं। इनडायरेक्टली रिकर्सिव फंक्शन, इनडायरेक्टली रिकर्सिव फंक्शन में एग्जाम्पल के साथ में ये मैं देखिए यहां मैं पॉज कर रहा हूं, आराम से इसको लिखिए आप। इनडायरेक्टली रिकर्सिव फंक्शन जो है इसका डिफिनेशन ये होगा, ए फंक्शन कॉल्ड इज सेड टू बी इनडायरेक्टली इफ इट कंटेन्स ए कॉल टू अनदर फंक्शन विच अल्टीमेटली कॉल्स इटसेल्फ। देखिए इसका एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम लोग। यहां फंक वन नाम का फंक्शन है जो कि इंटीजर रिटर्न कर रहा है और एक आर्गुमेंट ले रहा है इंटीजर एन, ठीक है। यहां पर ये बेस कंडीशन है, यहां लेकिन जो है यहां देखिए ये डायरेक्टली नहीं है, ये इनडायरेक्टली है। यहां फंक्शन टू, फंक टू नाम का फंक्शन जो है ये दूसरा फंक्शन है जो यहां पर डिफाइन किया गया है। अब ये यहां से फंक्शन को ये कॉल किया जा रहा है, ठीक है। अब यहां से फिर से फंक्शन वन को एक्स माइनस वन वन से डिक्रीज करते हुए इस फंक्शन को फिर से यहां से फंक्शन वन को कॉल किया जा रहा है, इसीलिए इस फंक्शन को बोला जा रहा है क्योंकि ये रिकर्सन तो है, क्योंकि ये फंक्शन जो है खुद को कॉल कर रहा है बार बार, तो ये रिकर्सिव फंक्शन तो है, लेकिन ये इनडायरेक्टली रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक है। मैंने यहां पॉज किया हुआ है, आप इसको आराम से लिखिए नोट्स में, एग्जाम्पल भी आराम से दीजिएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। देखिए मैं वीडियो को मैं पॉज किया हूं, आप इसको आराम से लिखिए, ठीक है। डेफिनेशन है नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन का, ए नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन इज सेड टू बी नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन इफ इट परफॉर्म द पेंडिंग ऑपरेशन फ्रॉम ईच रिकर्सिव कॉल। यानी कि नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन में पेंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। इन नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन ईच पेंडिंग ऑपरेशन मस्ट बी स्टोर्ड इन द सिस्टम स्टैक डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कॉल्स। नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन में स्टैक जनरेट होता है और उस स्टैक में वेरिएबल के वैल्यू को स्टोर किया जाता है और इंस्ट्रक्शन एड्रेस को स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब इसे आराम से लिखिए, नोट्स बनाइए इसका, और देखिए यहां पर एग्जांपल है। एग्जांपल पर यहां पर देखिए, यहां पर मैंने डिजाइन किया है बाइनरी फंक्शन जो कि वॉइड रिटर्न कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है और एन इंटीजर वैल्यू आर्गुमेंट में ले रहा है। और यहां देखिए यहां पर ये बेस कंडीशन है जिसको हम लोग टर्मिनेशन कंडीशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब तक ये ट्रू होगा ये दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, जब तक ये ट्रू होगा
ये दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा और ये नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन है, तो फंक्शन जब ये जब कॉल होगा तो देखिए ये रिकर्सिव फंक्शन यहां चला जाएगा, कंट्रोल जंप करके यहां चला जाएगा, तो ये जो ऑपरेशन है ये कब परफॉर्म होगा, इसी ऑपरेशन को हम बोल रहे हैं पेंडिंग ऑपरेशन। ठीक है, इसको और भी अच्छे तरह से समझते हैं। देखिए मेन फंक्शन में मैंने एन का वैल्यू 8 लिया है और बाइनरी फंक्शन को कॉल किया है, यहां से देखिए 8 जो है ये 8 हमारा पास होगा। अब 8 जब यहां से ये पास हो रहा है, ठीक है, तो 8 के लिए ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अब 8 के लिए जब ये कंडीशन ट्रू है तो 8/2, लेकिन ये ऑपरेशन तो परफॉर्म होगा तो इसके लिए ये एक स्टैक बनेगा। ठीक है, इस स्टैक में 8/2 ये हमें क्या मिलेगा, जीरो, रिमाइंडर जीरो मिलेगा। ठीक है, और यहां से ये जो है क्वासेंट जो है हमें मिलेगा 4। जैसे जो ही 4 मिलेगा तो बाइनरी फंक्शन ये फिर से कॉल होगा रिकर्सिव। ठीक है, अब यहां से ये क्या लेके आएगा, 4। 4 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, लेकिन ये फंक्शन पेंडिंग ऑपरेशन जो है ये होगा, तो 4/2 फिर रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा, फिर जीरो जीरो मिलेगा। ठीक है, आगे फिर हम लोग फिर बढ़ते हैं तो देखते हैं 4/2 तो क्वासेंट कितना मिलेगा, 2। 2 के लिए भी ये ट्रू है, 2 के लिए भी ये ट्रू है, तो फिर ये पेंडिंग ऑपरेशन जो है ये परफॉर्म होगा 2 के लिए, तो 2/2 क्वासेंट जो होगा यानी रिमाइंडर जो होगा ये कितना मिल रहा है, 2/2 रिमाइंडर मिल रहा है 0। ठीक है, रिमाइंडर कितना मिला हमें, 0। 2/2 रिमाइंडर इज 0, लेकिन क्वासेंट जो है ये मिलेगा 1। अब 1 के लिए भी ये कंडीशन ट्रू है, 1 के लिए भी कंडीशन ये ट्रू है, तो 1 रिमाइंडर 2 हमें मिलेगा रिमाइंडर 1। ठीक है, अब 1/2 यहां 1/2 तो क्वासेंट हमें मिलेगा 1/2 के लिए 0, जी हुई 0 मिलेगा। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, कंट्रोल यहां से वापस कॉलर फंक्शन के पास चला जाएगा और ये जो वैल्यू है जो कि स्टैक में रखा हुआ है वो पॉप करेगा और टॉप से करेगा तो ये मिलेगा 1, 0, 0 एंड 0, और ये वैल्यू जो है इक्विवेलेंट टू 8 है, ये 8 का डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू हमें ये मिल गया है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखिए नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन को समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि टेल रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है। टेल रिकर्सिव फंक्शन में को कैसे डिफाइन करते हैं, तो चलिए एक एग्जांपल से लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, ए टेल रिकर्सिव फंक्शन इज सेड टू बी टेल रिकर्सिव फंक्शन इफ नो ऑपरेशन आर पेंडिंग टू बी परफॉर्म्ड व्हेन द रिकर्सिव फंक्शन रिटर्न्स टू इट्स कॉलर। इसमें पेंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है, जैसे कि नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन में पेंडिंग ऑपरेशन हो रहा था, यहां पर पेंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, व्हेन द कॉल्ड फंक्शन रिटर्न्स द रिटर्न्ड वैल्यू इज इमीडिएटली रिटर्न्ड फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन, क्योंकि इसमें पेंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, तो जब भी फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो ये तुरंत ही रिटर्न हो जाएगा कॉलर फंक्शन के पास। द टेल रिकर्सिव फंक्शन इज हाईली डिजायरेबल बिकॉज दे आर मच मोर एफिशिएंट देन नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन एंड द अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट हैज टू बी स्टोर्ड इन द सिस्टम स्टैक इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स। ये
नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से हम लोग टेल रिकर्सिव फंक्शन को समझते हैं। देखिए यहां पर हमने बाइनरी फंक्शन बनाया है जिसका नाम है बाइनरी, और इंटीजर आर्गुमेंट एन ले रहा है और ये रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर इफ के साथ जो लगा हुआ है ये आपका बेस कंडीशन या इसको टर्मिनेशन कंडीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन जो है खुद को कॉल कर रहा है, तो ये बाइनरी ये फंक्शन जो है ये रिकर्सिव फंक्शन है। टेल रिकर्सिव फंक्शन को पहचानने के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि टेल रिकर्सिव फंक्शन हमेशा बॉटम में ही कॉल किया जाता है। ठीक है, अब इसको हम और अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए यहां पर मेन फंक्शन में इंटीजर एन का वैल्यू जो है ये 8 है और बाइनरी फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है, यहां से 8 हम पास कर रहे हैं। अब ये 8 यहां पर रिसीव हो रहा है, अब 8 के लिए 8 जो है वो 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू होगा तो ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर पेंडिंग ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो 8 के लिए 8/2 जब ये रिमाइंडर हम देखेंगे तो हमको मिलेगा 0। ठीक है, लेकिन 8/2 अगर क्वासेंट देखेंगे तो हमें मिलेगा 4। ठीक है, 4 के लिए फिर से ये कॉल हो रहा है। ठीक है, 4 भी कंडीशन ट्रू है, तो 4 के लिए हम अगर देखेंगे तो 4/2 रिमाइंडर कितना आ रहा है, अगेन फिर 0 आ रहा है। ठीक है, तो 4 जो है डिवाइडेड बाय 2 क्वेश्चन मिलेगा 2, तो यहां पर 2 के लिए भी कंडीशन ये ट्रू है, 2 के लिए कंडीशन ट्रू है, तो 2 रिमाइंडर 2 हमें फिर मिलेगा 0, रिमाइंडर मिलेगा 0। ठीक है, लेकिन 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, 1 के लिए 1 जो है 1 बाई रिमाइंडर 2 इज रिमाइंडर 1। ठीक है, अब है क्या कि 1/2 अगर हम देखेंगे बाइनरी फंक्शन कॉल होगा तो ये मिलेगा 0। जैसे जो ही ये 0 मिलेगा ये जो है ये कंडीशन जो कि टर्मिनेशन कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगा। अब ये फंक्शन जो है वापस चला जाएगा कॉलर के पास। ठीक है, और यहां पर पेंडिंग ऑपरेशन नहीं होगा। देखिए ये 8 का इक्विवेलेंट वैल्यू नहीं मिल रहा है, 8 का इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी इस एग्जांपल से हमें ये पता चल रहा है कि व्हाट इज टेल रिकर्सिव फंक्शन। तो दोस्तों फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अभी जो महामारी की बीमारी चली हुई है इससे आप घर में ही पढ़े लिखे, और जो भी क्वेरी है क्वेश्चन है डाउट है वो हमसे जरूर पूछें, है ना। और कोशिश कीजिए कि घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। हम लोग जरूर ही भारत जो है हम ये चाहते हैं और हम लोग सब मिलकर ये चाहेंगे कि भारत जो है ये इस महामारी से विजय प्राप्त करे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।